और ऐसे वक्त पर जब मास क्रिमेशंस हो रही हैं एट क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड ग्रेवयार्ड्स, हमें उन वॉलंटियर्स की भी दाद देनी है जो ये सब काम सेल्फलेसली एज अ पब्लिक सर्विस कर रही है। यहाँ शंटी जी हमारे साथ हैं। मुझे 2020 में भी याद है, शंटी जी और उनके बेटे दोनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए, फिर भी उन्होंने कभी अपनी पब्लिक सर्विस यहाँ रोकी नहीं। शंटी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको जो आप लोग काम करते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ जो हम देख रहे हैं वो दृश्य हमें पिछले साल देखने को नहीं मिले। दीज आर मैस क्रिमेशंस। आप ऑन एवरेज एक दिन में कितनी क्रिमेशंस? बरखा, ये वो शमशान घाट है जहाँ 10 से ज़्यादा बॉडीज नहीं आती थी, और जब पिछली बार पीक पे भी कोरोना गया तो 20 से 25 तक गई थी मैक्सिमम। मेरे को दिन भी याद है, वो 24 नवंबर का दिन था, तो हमने कहा बहुत डेड बॉडी आ गई है। और इस बार तो रिकॉर्ड टूट गए, या तो 60, 70, 80, और यस्टरडे 122 संस्कार हमने कराए हैं। अब इसमें आप हैरानी की बात होती है जब अखबार में पढ़ते हैं सुबह कि पूरी दिल्ली में सिर्फ 350 हुए, तो वहाँ माथा ठनक जाता है। अब वो कहते हैं जी ये कोविड, उसको मानते हैं प्रशासन वाले कि जो सर्टिफिकेट लेके आए मोर्चरी से जी। अब मैं दो जवाब दूंगा, उससे कोई मेरे चैलेंज करके दिखाए मेरे को। नंबर वन, जो घरों के अंदर क्वारंटाइन है और उनकी डेथ हो रही है, कोई ऐसा साधन नहीं है इनके पास, डिजास्टर मैनेजमेंट के पास या इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पास। वो कॉल कर करके थक जाते हैं, ये बॉडी नहीं उठाते हैं, फिर फ़ोन शहीद भगत सिंह को आता है। अभी मैं घर से दो बॉडी ला रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले दोनों को सैनिटाइज किया, उनको पैक किया, फिर यहाँ नीचे लेके आया और यहाँ लेके आया हूँ। वो बॉडीज़ किस खाते में जाएंगी जी जो कोविड से मरी हैं? मैं अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कल 122 आई, सपोज 122 एक दिन में, यस 122 आई, उसमें तो हमें कहीं जगह शिफ्ट भी करनी पड़ी, इसके मतलब दूसरे साइड्स पे। हाँ, इसके अलावा मोमडन बॉडी है जो हमने दफनाया अभी, अब यहीं पे, यहीं नहीं, अलग अलग भेजा। अब देखिए क्या फ़र्क बताता हूँ मैं आपको। 10 नेचुरल आती थी, सपोज आपने कह दिया जी आज 50 कोविड की आई हैं, 60 हो गई, 10 जेन्युइन आती थी रोज, 50 इन्होंने कहा जी कोविड की आई हैं, तो बाकी 60 किसकी थी जी? नेचुरल डेथ इतनी हो ही नहीं सकती दिल्ली में, सारे शमशान घाट भरे पड़े हैं, सारे मुर्दघाट भरे हैं, बाकी 60 भी कोविड की ही है। ये कहना सही होगा कि जो ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा है और जो एक्चुअली ग्राउंड में हो रहा है उसमें बहुत फर्क है? डबल का जी, मेरे को चैलेंज करेगा, मैं इसको अप्रूव दूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो घरों में क्वारंटाइन लोग हैं, जब वो सरकार ने अनाउंस कर दिया जी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और जाके ले भी कह लेंगे, ऑक्सीजन वानी है, बेड वानी है, वेंटिलेटर वानी है, इंजेक्शन वानी है, हर चीज की, तो कालाबाजारी शुरू हो गई दिल्ली के अंदर। सो वुड इट बी फेयर टू से शंटी जी कि शायद हमें जब ये पूरा क्राइसिस खत्म होगा, क्या वी मे नेवर नो हाउ मेनी पीपल डाइड ऑफ कोरोना, उनके वो काउंट ही नहीं, गिने ही नहीं जाएंगे। आप एक काम करिए ना, सेल्फ असेसमेंट के लिए कह दीजिए जनता को, जैसे आप कहते हैं ना कि हम आज फला हमने वोटों के लिए कर रहे हैं जी फलाना, आप करिए ना सेल्फ असेसमेंट, जब लोग भर के फॉर्म भेजेंगे ना उनको पता लग जाएगा विद एविडेंस। भाई ये जरूरी थोड़ा ना कि मैंने एम्स से ही या गवर्नमेंट जीटीबी से इलाज कराया तो मैं कोरोना का पीड़ित हूँ, हो सकता है मैं छोटे हॉस्पिटल में गया हूँ। और बरखा जी, अब बड़ी बातें खुल के आई हैं, जो सारे पोल खुल गए हैं कि कुछ भी इंतजाम एक साल में इन्होंने नहीं किया। क्या कोई ब्लड बैंक बनाया नया? क्या कोई प्लाज्मा बैंक बनाया ना? इनको पता था बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। क्या कोई नया हॉस्पिटल खोले? क्या कोई? और सुनो सबसे बड़ी बात कि जो क्वारंटाइन सेंटर पीछे से चल रहे थे वो क्यों बंद कर दिए गए आनंद फानंद ने? क्वारंटाइन भी और जो जंबो फैसिलिटी बनाई थी उनका क्या हुआ? क्यों बंद कर दी गई? क्या दिवाली फेस्टिवल था, खत्म हो गया? आपको पता नहीं था कि बाकी बाहर की कंट्री में क्या है, दोबारा आया तो क्या हुआ है? आपके यहाँ उससे भयंकर होने जा रही है, देखिए ना लाइन जो लगी हुई है, देखिए ये रात के 12 बजे तक आती रहेंगी बॉडी। आप देख रहे हैं कि एक मिनट नहीं है जब हम यहाँ खड़े हैं जब कोई बॉडी नहीं आई, और यहाँ शंटी जी हमें बता रहे हैं कि रात के 12 बजे तक ये चलता है, और वो पूछ रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पिछले साल के क्यों बंद हुए, जंबो फैसिलिटीज क्यों बंद हुई। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो सबसे ज्यादा आपको गुस्सा आता है? गुस्सा ये आता है जी कि दिल्ली के अंदर इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत मर गई है। मुझे मेरा दिल दुखता है जब एक बहन यहाँ खड़ी होकर कल कह रही थी कि मैं 15 दिन पहले विधवा हो गई थी, मेरा पति मर गया था, आज मेरा जवान बेटा मर गया, मैं दोबारा विधवा हुई। दिल रोता है इस बात से, ये दिल्ली में बैठे हम, जंगल से भी बदतर है दिल्ली हमारा इस समय, शर्म नहीं आती है इनको। किसको आप इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं, केंद्र की प्रदेश? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली को टैक्स देता हूँ, तो मैं दिल्ली का बोलूंगा।
शंटी जी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बहुत अहम सवाल है, वो दूसरे प्रदेश